राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी अच्छे गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला खुश होकर इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम करती हैं और खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आज देखते हैं कौन है जो सुबह घर पर आएगा और सारा काम करके चला जाएगा। कुछ दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। वह जब जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, उस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे फेरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। जिस दिन सोमवती अमावस्या थी, ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 बार फेरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते हुए उसके पति के मुर्दा शरीर में जान आ गई। धोबिन का पति अब वापस जिंदा हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन फेरी देता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाए गए सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद, भांजे या कन्या को दिया जा सकता है। अतः जो इस तरह व्रत करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त भी हो जाएगा। धन्यवाद।